Life is all about MBS, giving time to yourself. If you want to stay happy, always give time to yourself. So, ये याद आ गया होगा लोगों को वीडियो से. खैर नाजिश, जिंदगी में खुद को वक्त देने की कितनी अहमियत है? अफान, जो बंदा अपने आप को वक्त देता है वो अपने आप को पहचान सकता है. वो अपने आप को, अपनी जरूरतों को, अपनी गोल्स को कैसे अचीव करना है, कैसे प्लान आउट करना है, अपने ऊपर मेहनत कर सकता है. जो बंदा खुद को पहचान के अपने ऊपर मेहनत कर सके वही कामयाब. मैंने अभी शुरू में लोगों को ये बात की थी कि ऐसे वक्त के लिए ना यू ऑलवेज नीड अ प्लेस, और एम्बियंस की बड़ी अहमियत है. तो ऐसी तन्हाई में, ऐसी जगह पर जब खुद को वक्त देते हैं फिर कैसा लगता है? आप ऐसी जगह पर ही खुद को वक्त दे सकते हैं जहाँ पे शोर ओवर हो और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो. वहाँ पे आप अपने आप को वक्त ही दे सकते हैं. यू नीड टू लुक एट योरसेल्फ. आपको अंदर से, यू हैव टू टॉक टू योर इनर सेल्फ. अपने अंदर के आदमी से, अपने अंदर से बात करनी है. आपने अपने दिल से बात करनी है, अपनी जरूरतों को पहचानना है, और तभी आप बात कर सकते हैं. जितने बड़े बड़े शायर मेरे दोस्त भी रहे, बड़े बड़े शायर, वो हमेशा ऐसी जगहों पे आते थे. हम अब इंग्लिश टी हाउस बैठे हैं और कॉफी का कप लेके अपने आप को टाइम जरूर देते थे. अगर आप जिंदगी में अपने आप के लिए जीना सीखेंगे, अपने आप को वक्त देंगे, आप कुछ ऐसा नया सोचेंगे, कुछ ऐसा नया करेंगे जो किसी ने नहीं किया होगा. तो जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गिव टाइम टू यूर सेल्फ. और मैं एक जुमला हमेशा कहता हूं, द बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज. यू जस्ट मूव ऑन, स्टे परसिस्टेंट एंड कीप मूविंग. और ये आप तभी कर पाएंगे जैसे आप ऐसी किसी काम जगह पर आकर अपने आप को वक्त दे सकेंगे. तो जब आप अपने आप को वक्त देंगे और ऐसी किसी काम जगह पर देंगे तो आप सोचेंगे, सुकून से बैठेंगे, आप पानी के इन कतरों को देखेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने किस लिए बनाया गया, मेरी अपनी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी लाइफ क्या है, और मैंने अपनी लाइफ को कैसे डिवोट करना है, कैसे जीना है, कैसे सोचना है. तो यही जिंदगी का हासिल है कि जिंदगी में किसी और के लिए वक्त निकालें ना निकालें, अपने लिए टाइम जरूर निकालें. वक्त वही जो आपका.